नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। नाउ ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आप हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, कोचेज हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, ट्रेनर्स हो, एस्ट्रोलॉजर हो, काउंसलर हो, वास्तुशास्त्र वाले हो, फेंगशुई वाले हो, और किसी न अल्टरनेट हीलिंग में हो, चाहे रेकी, प्राणिक हीलिंग और बहुत तरह की हीलिंग आती है आजकल लोग कर रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो ये आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। क्यों है कि जो टेक्निक मैंने डेवलप करी है, जिसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, जिसका मेरे पास प्रोप्राइटरी ट्रेडमार्क है, ये टेक्निक मैंने पर्सनल यूज़ करते हुए बनाई है और मैं खुद हीलर हूँ, मैं यूज़ करता हूँ। तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, ये टेक्निक सीखोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। पहली चीज़ खुद के लिए आप यूज़ करोगे, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप देख लेना आप कैसे कैसे अपने लिए यूज़ करोगे। जो चीज़ अपने लिए यूज़ करोगे वही आप दूसरों पे यूज़ कर सकते हो। होगा क्या दोस्तों, ये टेक्निक इतनी फास्ट और पावरफुल है, मैंने काफ़ी लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, नेगेटिव मेमोरी के लिए, ट्रामा के लिए, ये जो मेमोरीज होती है, इमोशंस होती है, इमोशंस के लिए बहुत यूज़ किया और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। डिप्रेशन भी मिनटों में ख़त्म होता है इस टेक्निक से, क्योंकि ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इस टेक्निक से जो भी आप अभी कर रहे हो, एक्चुअली जो भी आप थेरेपी कर रहे हो और जो भी आप कोचिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, उसमें आप सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करते हो, आप बताते हो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे पावरफुल चीज़ है, वो है ऑटोमेशन। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया मेरे कि अगर मैं आपको बोलूँ नेगेटिव कोई सिचुएशन हुई थी उसके बारे में सोचिए, तो उसकी पिक्चर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, एकदम क्लियर होगी वो। आपका जैसे ही सोचने लगोगे फीलिंग चेंज हो जाएगी बॉडी में, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी आपकी और बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है ऑटोमेटिक, सेम चीज़ होती है पॉजिटिव मेमोरी के लिए। सबकॉन्शियस माइंड है जो ऑटोमेटिक माइंड है और ये बहुत फास्ट स्पीड से काम करता है, बहुत फास्ट स्पीड से काम, आप अंदाज नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड में ड्राइविंग आपका प्रोग्राम हुआ, आपको पता ही है जब आप गाड़ी चलाते हो सामने में कोई आ गया तो ब्रेक लगाने में टाइम लगती है, सोचना पड़ता है, ऑटोमेटिक लगता है और बहुत फास्ट लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट करता है, लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। तो इसका ऑटोमेशन हम चेंज करते हैं लोगों के माइंड के प्रोग्राम से, चाहे वो नेगेटिव मेमोरी हो, चाहे फियर एंड फोबियाज हो, चाहे इमोशंस हो, नेगेटिव पैटर्न्स हो, नेगेटिव ब्लॉक्स हो, हैबिट्स हो, डिप्रेशन हो, बिलीफ चेंज करना हो, उनका कई बार इंटरनल डायलॉग होता है दोस्तों, ये आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, कि अंदर में एक वॉइस बोलता है, नेगेटिव वॉइस बोलते हैं, इनर वॉइस बोलते हैं उसको, ये भी अपना ही वॉइस है। तो ये वॉइस भी कई बार नेगेटिव होता है, आपको काम नहीं करने देता, और आपके क्लाइंट के साथ भी ऐसा होगा, तो आप चेंज कर सकते हो और बहुत जल्दी और इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो, चेंज बिलीव कर सकते हो मिनटों के अंदर में, गेट देम इन टू अ पीक परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ माइंड। अगर पब्लिक स्पीकर हो तो यू कैन प्रोग्राम देयर माइंड टू स्पीक पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, रिलेशनशिप पे काम कर सकते हो, स्टूडेंट के साथ काम कर सकते हो, आप मेमोरीज के ऊपर में, फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस जिसमें अगर आप काम कर रहे हो, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा और हीलिंग जो होगी बहुत तेज़ी से हो जाएगी। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है मेरी वर्कशॉप में, जो मैं जानता नहीं था टेक्निक इतनी काम करेगी। मैंने एक लेडी पे यूज़ किया जिसके दोनों घुटनों पे वो हुआ था नी रिप्लेसमेंट दोनों में हुआ था और 8-9 महीने हो गए थे, लेकिन एक मुड़ भी नहीं रहा था ठीक से। एक सेशन के अंदर टू माई सरप्राइज, मैं खुद सरप्राइज हो गया, वो हील हो गई कम्प्लीटली। 3 घंटे बाद में वर्कशॉप में उसने घुटने टेक के बताया, घुटनों पे बैठ के करके दिखाया, जो एक्सरसाइज नहीं करती करके दिखाया, मैं सरप्राइज हो गया। दोस्तों प्राणिक हीलर हो या हीलिंग हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपके रिजल्ट हो जाएंगे बहुत फास्ट। अब कैसे होंगे ये बताता हूँ, आप मिनटों में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोच हो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेनर हो, कोच हो, आप को ट्रेनिंग देने गए और वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हो आप, ये नेगेटिव मेमोरी और पॉजिटिव मेमोरी का जो ऑटोमेशन का सिस्टम आप सीखोगे वर्कशॉप में करके सीखोगे, विद इन 10 मिनट्स आप लोगों को चेंज कर दोगे, एकदम लोग आप पे बिलीव करने लग जाएंगे, आप ऐसा बढ़िया चेंजेस करोगे दे विल बी सरप्राइज। ये इतनी पावरफुल है, मैं सरप्राइज हुआ जब मैंने टेक्निक डेवलप कर रहा था, इतनी पावरफुल है। ट्रेनर हो, हम क्या इस कोर्स के अंदर में सिखा रहे हैं, हिप्नोसिस भी सिखा रहे हैं, NLP भी सिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में ही बन के ही ये कोर्स बना है, ये चीज़ डेवलप वहीं से निकल के आई है, तो दोनों चीज़ सीखनी जरूरी है। आप सीखोगे हिप्नोसिस की टेक्निक, अगर आप सीख लोगे तो क्या होगा, जहाँ भी जाओगे इंस्टेंट हिप्नोसिस, इमेजिन गेम, माइंड पावर दिखाया कराया, इमीडिएटली इंस्टेंटली लोगों से रेपो बनेगा आपका और दे विल लाइक एंड लव इट जो आप करते हो, और आप फेमस भी जल्दी होगे। उसका किसी का हाथ जोड़ दिया, किसी का ये कर दिया, आपने यू नो
हाथ नहीं बैन कर पा रहे, आई ओपन हिप्नोसिस भी सीखोगे जो दिखाएंगे वर्कशॉप में आपको हम, वो करके आप इमीडिएटली पॉपुलर हो जाओगे और ये सब चीज़ें करके सीखोगे आप। इमोशन कैसे निकालना है, ऑटोमेशन कैसे करना है, मैं आपको दिखाऊंगा फिर बताऊंगा, फिर आप एक दूसरे पे प्रैक्टिस करोगे। क्यों भाई प्रैक्टिस क्यों कराएंगे, बता भी सकते हैं ना दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे सामने, मुझे नहीं मालूम आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको मास्टरी आई कि नहीं आई। और एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर जो आप कर रहे हो ना पहली बार जब करते हो तो आपको डाउट होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो सेकंड टाइम जो करते हो 50% डाउट निकल जाता है और आपको आधा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर भी गलती होती है। लेकिन जब थर्ड टाइम करते हो ना कहीं रुकते नहीं है, आपका वॉइस चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा और मिनट में जेट लाओगे। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यही है एचआरए का, हिप्नोसिस एनएलपी भी सीखोगे आप, लेकिन एचआरए की टेक्निक को हम कंबाइन करेंगे हिप्नोसिस के अंदर, हम कंबाइन करेंगे एनएलपी के अंदर, जिससे आपको लगेगा कि ये कितने पावरफुल हो गई वो टेक्निक। जो टेक्निक सिंपल सी थी, मान लीजिए किसी को फियर है, फियर ऑफ डॉग है, आपने निकाल दिया, एनएलपी में हम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट डे वो दूसरा फियर लेके आ गया, फिर वो तीसरा लेके आ गया, क्या करोगे, क्या करोगे आप, हर बार करना पड़ेगा ना। इस एचआरए की टेक्निक से एक बार वो प्रोसेस करना है, बाद में सबकॉन्शियस माइंड में हम उसको ऑटोमेटिक कर देंगे। आदमी सोचेगा कौन सा फियर निकालना है, खाली सोचना है उसको कौन सा निकालना है, सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करके अपने आप निकाल देगा, पता भी नहीं चलेगा। आपकी बिलीफ चेंज करवा दोगे लोगों के, नेगेटिव पैटर्न चेंज करवा दोगे आप, पेन मैनेजमेंट करोगे, सीखोगे आप कैसे करना है। एनएलपी की बहुत सारी है, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को, इंस्टॉल कर दोगे कॉन्फिडेंस, मैं करता हूँ ये। और लिंकिंग करता हूँ, एक एनएलपी की टेक्निक है, कोई भी चीज़ हम करते हैं स्टेट ऑफ माइंड को उनको फ्यूचर पेस करते हैं। फ्यूचर पेस का मतलब क्या है, फ्यूचर में लिंक करते हैं। यहाँ पे आप फ्यूचर में लिंक कर सकते हो तुरंत, और ऐसा माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो कि सामने वाला इतना बढ़िया फील करेगा दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं पहले पर्सनल सेशन सिर्फ स्पोर्ट्स पे करता था, दूसरे फील्ड में कभी नहीं करता था, अवॉइड करता था, ये नेगेटिव लोग आएंगे, डिप्रेस लोग आएंगे, मैं मिलना नहीं चाहता था इनसे। जब से मैंने टेक्निक डेवलप करी, पहले मेरे स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन था, कोई फ़ोन करे डिप्रेशन के लिए सीधा मना कर देना। अभी इंस्ट्रक्शन है कोई डिप्रेशन के बोलते हैं तो बोले तुरंत आ जाओ, क्योंकि डिप्रेशन क्या है, मेमोरी है, इमोशन है, सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है, वो ऑटोमेशन है। हम ऑटोमेशन को ब्रेक करेंगे और नया ऑटोमेशन लगा देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मेरे एक दूसरे वीडियो में, एक स्पोर्ट्समैन गोल्फर था, मैं बताऊंगा वर्कशॉप के अंदर भी बाद में आपको डिटेल में उसके बारे में। वो जो गोल्फर था वो खराब खेल रहा था, जब मेरे पास आया तो बहुत अच्छा खेलने लग गया, लेकिन उसके पास में खराब खेले हुए की बहुत सारी मेमोरी थी। ये मेमोरी है सबकॉन्शियस माइंड में, स्टोर हाउस है। और जैसे ही वो बढ़िया खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, सडनली एक खराब शॉट खाली मारी उसने, एक खराब शॉट मारी, पूरी की पूरी नेगेटिव मेमोरी एक्टिवेट हो गई और वो लुढ़कता चला गया। ये उसके साथ हमेशा होता था। एक टूर्नामेंट में मैं उसके साथ था, जब वो यूएस के लिए क्वालिफाई हुआ जाने के लिए, जाने के पहले टूर्नामेंट खेल रहा था, तो उसके साथ यही हुआ, पहले राउंड के अंदर में यही हुआ उसके साथ में। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में खेलने जा रहा था तो मैं उसके साथ था, मैंने पूछा क्या बात हुई, तब उसने मेरे को सडनली बताया कि सर जैसे ही ये खराब शॉट खेलता हूँ ना पुरानी मेमोरी आ जाती है, मैंने विद इन सेकेंड्स वो पुरानी नेगेटिव मेमोरी का मैंने ऑटोमेशन तोड़ा और पॉजिटिव मेमोरी का लगा दिया। उस दिन उसने कोर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज तक वो जो चेंज मैंने किया है वो अभी तक काम कर रहा है। इस बात को हो गए 12-13 साल दोस्तों, कितने साल, 12-13 साल। अब आप लोगों में चेंज आओगे, इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन मेक, हाउ मच, कितना जल्दी लोगों को ठीक करोगे और कितना जल्दी आप जो भी कर रहे हो वो करो, उसमें ये ऐड कर दो, उसमें ये ऑटोमेशन लगा दो, सबकॉन्शियस माइंड का एचआरए का, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, रेकी हीलिंग कर रहे हो, उन सबके साथ में ऑटोमेशन लगा दो, आप सीखोगे कैसे ऑटोमेशन लगाना है। जैसे ही ऑटोमेशन लगाओगे आप जो भी काम कर रहे हो जो पहले 10 सेशन में होते थे वो 1 या 2 सेशन में हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको 10 सेशन के पैसे लिए करने हैं तब मत करना, लेकिन अगर आपको लोगों को बेनिफिट देना है तो ये करना। आप पब्लिक स्पीकर हो, आपको स्पीच देनी है, अचानक आपको बोल दिया गया कि आपको खड़ा होकर स्पीच देनी है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, तैयारी तो है नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है रिकॉर्डेड, उसको बोलो भाई मैं स्पीच दे रहा हूँ इस टॉपिक पे, मेक मी कॉन्फिडेंट, मेक मी पॉजिटिव, लेट द थिंग्स फ्लो। जब स्टेज पे जाओगे ना ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगी और यू विल योर सेल्फ सरप्राइज, ऐसी सी आइडियाज आएंगी जो आपको पहले कभी नहीं आई थी। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा और बार बार होगा दोस्तों।
आप कोई भी तरह के हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, हिप्नोटिस्ट हो, हिप्नोटिस्ट की मैं टेक्निक बताऊंगा वहाँ पे, एक जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ मेरे पर्सनल सेशन में, ऑफ में हम हिप्नोसिस में जो चीज़ करते हैं वो आप HRA से करोगे विदाउट डायरेक्ट सजेशन। जो इमेजिनेशन गेम होते हैं कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। आप एस्ट्रोलॉजर हो, कोचेस हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, वास्तुशास्त्र वाले हो, काउंसलर हो, काउंसलिंग में बहुत काम आएगी दोस्तों, काउंसलिंग में बातें करते करते, या लाइफ कोच हो जो आपके पास आ रहे हैं उनके अंदर चेंजेस आप मिनटों में कर दोगे तो क्या होगा, विल दे गो समवेयर एल्स, किसी और के पास जाएंगे। कई बार क्या होते हैं आपके पास लोग आते हैं जो सब जगह फेल हो गए हैं, उनके दिमाग में लगा हुआ है, बिलीफ बना हुआ है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता, आप ये HRA की टेक्निक यूज़ करके ऑटोमेशन ब्रेक करके उसको सक्सेसफुल बनाओगे, पहले दिन फर्स्ट डे आपके सेशन में वो आदमी अंदर से खुश होकर जाएगा और बिलीव करके जाएगा आपके ऊपर, वो कहीं नहीं जाएगा, हमेशा आपके पास रहेगा। दोस्तों ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और बहुत सिंपल है, आप करके सीखोगे वर्कशॉप में, और ये जो करोगे, और अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो और आपको एक नया करियर बनाना है, अपना एक नया करियर बनाना है, पैसे कमाने के लिए सबको चाहिए, बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है लॉकडाउन के बाद में, ये टेक्निक आप सीख के लोगों को हील करना शुरू कर दो। कैसे हील करोगे पता आप, और कैसे लोगों को लाओगे, बहुत सिंपल है, कहीं भी गए किसी से मिले, किसी ने बोला यार मेरे को ये इमोशन बहुत आ रहा है, बैठाया उनको 2 मिनट, निकाल दिया 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट ज़्यादा बोल गया, 5 मिनट में निकाल दिया आपने, क्या होगा, वो आदमी आपका आपके लिए पागल हो जाएगा, रेस्पेक्ट आ जाएगा, वो फिर नए नए प्रॉब्लम बताएगा आपने, फिर आप थेरेपी कीजिए, नेगेटिव मेमोरी निकाल दीजिए, ट्रामा निकाल दीजिए, फियर निकाल दीजिए, कॉन्फिडेंस चाहिए तो इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट दे दीजिए उनको, नेगेटिव फील कर रहे हैं, कुछ छोटा सा ऑटोमेशन का टेक्निक जो मैं सिखाऊंगा वो छोटा सा चीज आप 10 से 12 मिनट में कर सकते हो, और 4-5-10 लोगों के सामने करोगे ना, क्लाइंट मिल गए आपको, क्लाइंट मिल गए, एक नहीं बहुत मिल गए, और वो आपकी इच्छा है कितना चार्ज करो, जो भी लेवल पर आप चार्ज करते हो, जब HRA यूज़ कर दो तो अपनी फीस डबल कर दो। दोस्तों मैं चार्ज करता हूँ 3 लोग सेशन के, आधे आधे घंटे के 3 सेशन में, जबकि काम मैं 1 सेशन में कर सकता हूँ, लेकिन 3 सेशन के पैसे लेता हूँ तो मैं उसको इस ढंग से बांट देता हूँ कि मैं और सिखा रहा हूँ, नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो वो बताऊँगा मैं क्या करता हूँ आपको वर्कशॉप में। दोस्तों इतना सिंपल है, स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हो, स्पोर्ट्स में तो मैं चार्ज भी नहीं करता, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं चार्ज करता हूँ, उनसे परसेंटेज ऑफ द अर्निंग, एक गोल्फर ने मेरे को 1 साल में 18 लाख रुपये दिया था, और मैं सेशन करता 5-5 हज़ार की, 10 हज़ार की, तो कितना मिलता था सोचिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही पावरफुल नया टूल है जो मैंने डेवलप किया है, और ये कॉपीराइटेड है, ये आपका ट्रेडमार्क है, मेरा प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग है, इसको आप सीखोगे, और बहुत सिंपल है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, ये 5 मिनट में आप कर सकते हो, सीख सकते हो। हाँ मैं चाहूँ तो आपको 2 घंटे में पूरा HRA सिखा देता हूँ, लेकिन खाली HRA से काम नहीं चलेगा, इसलिए 3 दिन की वर्कशॉप में हिप्नोसिस NLP भी जानना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों, कोई नई चीज़ आई तो आप कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब वर्कशॉप के अंदर में हम हिप्नोसिस की और NLP चीज़ के अंदर में HRA इंक्लूड करेंगे ऑटोमेशन के लिए, और उसको फास्ट कर देंगे, जो चीज़ स्लो होती थी फास्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल NLP की टेक्निक के अंदर में एंकरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं चलिए किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हमने एक एंकर बना दिया कॉन्फिडेंस का, और उसका ट्रिगर दे दिया, जब भी चाहिए दबा दिया है। अब मेरे को चाहिए क्रिएटिविटी, हम क्या करेंगे कॉन्फिडेंस में क्या होता है, हम बोलेंगे गो बैक टू अ टाइम इन योर पास्ट, जाइए जब आपने कॉन्फिडेंट फील किया था, और बहुत बार तो लोगों को याद भी नहीं आता कॉन्फिडेंट फील किया था, लेकिन HRA की टेक्निक से एक हर चीज़ के लिए आपको याद करके जाना नहीं पड़ेगा। NLP के अंदर में यू हैव टू गो बैक इन टाइम, जब ऐसा हुआ था उसको सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब एंकर करेंगे हम, यहाँ पे वो नहीं करना पड़ता, जो चीज़ करनी है वही चीज़ इंस्टेंटली करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब करेंगे तो हो सकता है कि पुरानी चीज़ बाद में याद आ जाए, पहले जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत पावरफुल टेक्निक है ये, न्यू टेक्नोलॉजी है, और वर्कशॉप के अंदर में 3 दिन में आप बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा दोस्तों आपको, आप इतने पावरफुल बन जाओगे, चाहे वो पब्लिक स्पीकर हो, चाहे लाइफ कोच हो, चाहे आप हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, एक्यूपेंशनिस्ट हो। 2 एक्यूपेंशनिस्ट ने मेरे को इंडिया में मेरे से 1-to-1 HRA खाली सीखा है, खाली HRA सीखा है, और दे आर वेरी हैप्पी। US में मेरे पास में कम से कम 2 हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने NLP मास्टर भी हैं, उन्होंने मेरा YouTube पे वीडियो देख के, उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ था मेरे चैनल को, मेरे को कॉल किया, जूम पे मैंने उनको सिखाया, और दूसरे दिन बोलते हैं सर मैजिक हो गया। तो क्या हुआ,
मैं पहली एक्सरसाइज में सिखाता हूँ कि नेगेटिव मेमोरी को कैसे निकाल देना है, ऑटोमेटिकली कैसे निकालना है। तो उसको करके आना था, बोला सर जिसको जिस पे किया वो अब नेगेटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतना पावरफुल टेक्निक है ये। दे आर वेरी हैप्पी, बोले सर आपने हमें एक नया रास्ता दे दिया काम करने का। और इस तरीके से हम पहले करते थे, रियलाइज कराते थे, सजेशन देते थे, 10 सेशन लगते थे, 20 सेशन लगते थे, वो एक सेशन में विद इन 10 मिनट हो रहा है। तो ये है पावर इस टेक्निक का। और वर्कशॉप के अंदर दोस्तों ये टेक्निक, फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, आज आपके सामने मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, मैंने सोचा था किसी को सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना चीज़ है और कोई नहीं जानता, कोई नहीं करता वर्ल्ड में, मैं सिखाऊंगा नहीं, ये मेरा गोल था। 5 साल से नहीं सिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन अब मैंने सोचा 65-60 ईयर्स की एज हो गई है, मैं सबको हैंडल नहीं कर सकता, मैं सबको सिखा सबको हील नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है ये टेक्निक को सिखाने का। इसलिए 3 दिन का वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें आप सीखोगे, प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, डेमो, प्रैक्टिस डेमो। पहले दिन के वर्कशॉप में आप कई लोगों को ठीक कर दिए होंगे जिनके प्रॉब्लम होंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को, सबको आप ठीक कर दिए होंगे। यू विल सो कॉन्फिडेंट दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक नया क्लाइंट आया डिप्रेशन का, जो सब जगह से हार चुका है, दवाइयाँ ले चुका है, मेडिसिन ले रहा है, और पहले ही सेशन में आपने HRA का टेक्निक यूज़ करके विद इन हाफ एन आवर, तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बातें करता हूँ, पूछता हूँ, चीज़ें करता हूँ, क्योंकि टाइम लगानी है। टेक्निक तो 5 मिनट की है, उस 5 से 10 मिनट की टेक्निक को, 2 टेक्निक आप यूज़ करोगे उसका डिप्रेशन निकल जाएगा, और डिप्रेशन के बारे में सोच भी नहीं पाएगा कि डिप्रेशन क्या होता है। फीलिंग चेंज हो जाएगी, मेमोरी चेंज हो जाएगी, और डिप्रेशन और जो होती है सैडनेस, जितनी भी एंग्जाइटी होती है पुरानी मेमोरी के कारण होती है, पुरानी मेमोरी का इफेक्ट निकाल दिया तो क्या हुआ, खत्म हो गई। और ये 5 मिनट में निकलेगा, इसको ऑटोमेट कर देंगे, ये नहीं कि आपके पास गया तो कल दूसरे दिन आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑटोमेशन का तरीका ऐसा है कि जब भी कोई नेगेटिव आएगी वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप निकाल देगा दोस्तों, ये है। तो क्या होगा, वो क्लाइंट पहली बार खुश होकर जाएगा तो क्या बोलेगा बाहर जाके, अरे भाई मैं उनके पास गया था, मेरा डिप्रेशन 10 साल से नहीं निकला, 20 साल से नहीं निकला, ये तो मिनटों में निकल गया। जब अब किसी और को डिप्रेशन वालों को देखेगा तो क्या बोलेगा, आपके पास भेजेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 10-15 केस कर दिए ठीक है आपने, बाद में लाइन लग जाएगी आपके पास, और आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। अब मैं 20,000 चार्ज करता हूँ 3 सेशन का, 50,000 चार्ज करो, 1,00,000 लोग देने वाले हैं, 2-3 लाख भी देंगे लोग जो परेशान हो रहे हैं। उसका सिंपल तरीका है, मैं उससे पूछता हूँ भैया डिप्रेशन से आपका क्या नुकसान हो रहा है, कोई बताएगा कि भाई डिप्रेशन से मेरा काम नहीं कर पा रहा, उससे मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है, तब मैं पूछता हूँ ये डिप्रेशन ठीक हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको, हो लाखों का फ़ायदा होगा, तब लाखों का फ़ायदा होगा तो 1,00,000 रुपया खर्चा करने के लिए रेडी हो आप, बोलेगा 1,00,000 क्या 2,00,000 खर्चा करूँगा, निकालो, फिर वो आपके ऊपर है कितना लेना, उसने 2,00,000 बोला खर्चा कर सकता हूँ, लेना 1,00,000, 1,00,000 बोला तो लेना 50,000, और खुश होकर जाएगा और नए नए लोगों को भेजेगा दोस्तों। ये है पावर इस टेक्निक का। आप पब्लिक स्पीकर हो, स्टेज पे गए, कई बार क्या होता है बड़ी स्पीच अच्छी देते हैं, कई बार नहीं दे पाते, ये भी सबकॉन्शियस माइंड में है अपने, है तो क्या होगा, हर बार जब माइंड को बोल के जाओगे कि मेरे को एक्टिवेट कर दो पावरफुल स्पीकर को, आप पावरफुल स्पीकर बन जाओगे, थॉट्स आएंगे, पब्लिक इतनी खुश होगी। बट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको क्या वर्ड यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, क्योंकि वर्ड और पिक्चर और कई चीज़ें इसमें मायने रखती है, वो आप ढंग से यूज़ करोगे इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये वर्कशॉप होने वाली है प्रैक्टिकल, अगर आप कोई भी हीलिंग आर्ट में हो, ये आपको मिलेगा लाइसेंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट ऑफ HRA हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, जिसका ट्रेडमार्क है, और उससे आप लोगों को हील कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, स्पोर्ट्स में यूज करते हो, बच्चों को हेल्प कर सकते हो, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो। आप देखो बहुत बड़ा कंटेंट है, देखने में लगेगा बहुत बड़ा कंटेंट है, लेकिन एक टेक्निक जब HRA सीख जाओगे ना, बाकी सब चीज़ें आपको लगेगी मिनटों में हो रही है। और सही कोई टेक्निक है, लंबी टेक्निक नहीं है, गाइडेड मेडिटेशन कि रिलैक्स कराया, आधे घंटे रिलैक्स कराया, बाद में अफर्मेशन दिया, विजुलाइजेशन करा, नहीं, 2 से 5 मिनट। तो दोस्तों अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और अपना एक नया करियर बनाना चाहते हो, कि अगर आप थिएटर नहीं हो, कुछ नहीं हो, बनना चाहते हो, तो ये आपके लिए है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो, आप
रिटायर हो गए तो भी पार्ट टाइम लोगों की पब्लिक सेवा करने के लिए करना चालू कर सकते हो। और एचआरए की टेक्निक मैं जूम पे करता हूँ दोस्तों, जूम पे करता हूँ, 90% केसेस मेरे जूम पे होते हैं और लोग हील हो जाते हैं। तो आप ये जूम पे ऑनलाइन कर सकते हो, करने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे करना है ये आपको सीखेंगे और सिखाएंगे हम आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, और आप कैसे करोगे ये बताया जाएगा आपको, वर्ड कैसे यूज़ करना पड़ा है, क्या चीज़ को कैसे यूज़ करनी है जिससे इमीडिएट रिजल्ट आए, क्या चीज़ों की ध्यान रखना है, सब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा मेरे एक्सपीरियंस से। दोस्तों मैं प्रदीप अग्रवाल, जैसा आपको मुझे पता ही है, मैं 1972 से माइंड प्रोग्रामिंग में हूँ, 77 से मैंने सिखाना शुरू किया, और ये मेरा पैसन है, और ये पैसन है इसीलिए सिखा रहा हूँ। अगर ये मेरा पैसन नहीं होता तो मैं ये आप 5 लाख रुपए देते तो भी नहीं सिखाता। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें, लोगों का बेनिफिट मिले, और हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया में मिले, अपने भारत में मिले, आपके भारत में मिले। जैसा आपको पता ही है मैंने रॉयल फैमिलीज के साथ काम किया है, मैंने स्पोर्ट्समैन के साथ काम किया, मिनटों में काम करना पड़ता है, वहाँ पर टाइम नहीं होती आपके पास, खेलने जा रहा है फिर आ गया निकालना है, एक प्लेयर को देख के डर लग गया निकालना है, मिनटों में निकालना पड़ता है दोस्तों। और वो फ़ोन पे निकालते हैं, व्हाट्सएप पे निकालते हैं, जूम की भी टाइम नहीं रहती कि जूम पे आ जाइए। और ये सब टेक्निक इतनी फास्ट और पावरफुल होती है कि आप जब करोगे तो पता चलेगा, बिना करे कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि नहीं। तो ये वर्कशॉप है, आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए, और कुछ क्वेरी है तो इस नंबर मुझे नीचे दिया वहाँ पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, और जल्दी कीजिए वर्कशॉप, क्योंकि हिंदी में शायद दोबारा ना हो, क्योंकि मैं नॉर्मली इंग्लिश में करता हूँ, मेरे क्लाइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जब मैं वर्कशॉप करता था पुरानी, पहले भी लॉकडाउन के पहले, मैं ऑल इंडिया से ही नहीं, दुबई से, सिंगापुर से, बैंकॉक से, थाईलैंड से, आपका थाईलैंड तो बैंकॉक में आ गया, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कुवैत से, आपके मिडिल ईस्ट कंट्री से लोग आते थे, और उससे भी दूर से आते थे लोग, फ्रांस से भी लोग आए मेरी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए, और मिलते हैं वर्कशॉप के दिन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को सीखने के लिए, और उसे मास्टर करने के लिए, और यूज़ करने के लिए, और मेक लॉट ऑफ मनी। वही गोल है, अब आदमी का गोल है पैसा कमाना। आप जब आओगे अटेंड करोगे तो आपका इनकम डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा, और कम मेहनत में होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर भी तो यूज़ करोगे, अपने मेंटल ब्लॉक भी तो निकालोगे। कई लोगों के मनी के ही ब्लॉक होते हैं, मैं जानता हूँ 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, 10 साल से 2 लाख ही कमा रहे हैं, 2,10,000 नहीं हुआ, ये मेंटल ब्लॉक है, ये भी आप निकाल लोगे, तो देन स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हो तो अगर वेबसाइट पे हो इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए, कॉल कीजिए नंबर को दिया हुआ, और मिलते हैं जल्दी, और इंजॉय करेंगे साथ में सीखने में नई चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।